हर शंभु ओम नमः शिवाय। तो केदारनाथ ट्रैकिंग के लिए हम निकल चुके थे सुबह सुबह और सुबह अभी मजा आएगा ना भिड़ो, काफी अंधेरा था इसलिए हमने सुबह रिकॉर्ड किया नहीं। अभी मैंने फ्लैशलाइट लगाई है, नहीं तो बिना फ्लैशलाइट के कुछ दिख नहीं रहा अच्छे से। यहाँ पे काफी ट्रैफिक हो गई है रोड पे, मेरे GoPro में सिर्फ और सिर्फ 39 मिनट की रिकॉर्डिंग हो सकती है। ठंडी यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे 8 डिग्री है। ये हाथ पे ग्लव्स है, पूरी लाइन है आगे तक रजिस्ट्रेशन के लिए, पीछे भी है, लाइट वेट के आगे भी है। मच मच लेट है। क्या क्या लाइन देखो गाइस, कितनी लाइन है। बस अभी टैक्सी में बैठना है हमें। कोई कोई लोग सच में इतने पागल है ना, बोल रहा मेरी पूरी फैमिली बैठी है आगे टैक्सी में, डंडी लगा के रोका दिया कि जाने का नहीं, पागल लोग। यहाँ से बस 10-15 मिनट फिर सीधा गौरीकुंड पहुँचेंगे और वहाँ से सीधा। तो अब यहाँ से केदारनाथ है 16 किलोमीटर और बाकी लोग पीछे से आ रहे हैं, हम 3 लोग चल रहे हैं आगे। बाकी यहाँ पे मार्केट पूरी लगी हुई है, खाना पीना खरीदना वरीदना सब इधर ही है, आप लोग खरीद सकते हो। नीचे झरना बह रहा है बहुत तगड़ा, यहाँ पे हम चल रहे हैं आगे आगे, देखते जाओ आप लोग। चलिए आगे बहुत भीड़ है। आज काफी भीड़ लग रही है मेरे को, तो बहुत भीड़ है। नानी, ओमाए वा मो शिंदेइरु। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों के घुटने में दर्द हो रहा है जवान होकर तो ही खच्चर घोड़े में जाना, वरना मत जाना। अगर तुम्हारे खून में दम नहीं है तो ऐसा जाना। देखो बूढ़े लोग जाते हैं वो ठीक है, अपने जैसे बड़े बड़े जाएंगे कैसे चलेगा। हाँ ये सब कभी जब है तो लग गई हो, कुछ हो रहा हो, देखो इनको बेचारों को, इनके ऊपर बैठ के जा रहे हो, शर्म आ रही है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जीतो चल के जाओ, हर हर महादेव। थक गए, चलो चलो। तो ये थोड़ा सा रेस्ट लिया हम लोग ने, और काफी मजा आ रहा है ट्रैक करने में। थक भी रहे पर अच्छा लग रहा है, गर्म भी हो रहा है पर ठंडी हवाएं चल रही है। मच मच लेट है। तो इतने देर बाद पीछे दिख रहा है बर्फ के पहाड़, बहुत ही सही। हर महादेव, हर हर महादेव। अब से आगे मैं चल रहा हूँ अभी मेरे ग्रुप में अकेले सोलो, पसीना भी आ रहा है, ठंडा भी लग रहा है बहुत। नॉन स्टॉप चल रहा हूँ मैं आधे आधे घंटे से, थक गया हूँ, पानी पीऊँगा बैठ के भी। हर हर महादेव। धीरे धीरे बारिश चालू हो गई है, अभी ओले गिर रहे बर्फ वाले, उन्होंने पोंचो पहन लिया है, पोंचो पोंचो जो भी बोलते हैं इसको, सबने पहना है। ब्लू पिंक है, पर्पल है, ट्रांसपेरेंट है और टाइम अभी शायद 1 बज रहे हैं। बारिश चालू हो चुकी है, बारिश हो गई चालू, चलते कोई दिक्कत नहीं, चलो चलो। यस, गाली नहीं लोटन में। भाई भाई एक गरम चाय की प्याली हो, पी पी पी। Thank you.
झरना देखो गाइस। तो हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले। ऑलमोस्ट मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? और मैं देखो नंगे पैर चल रहा हूँ, जूता पूरा भीग चुका है, तो नंगे पैर जा रहा हूँ। फिसलन है पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हो देखो भाई हिल रहा है पूरा ब्रिज, पूरा ब्रिज हिल रहा है पर मजा आ रहा है। जैक जिग जैक जिग जैक। अभी रुके यहाँ पे थोड़ा, मैं अपना पैर सुखा रहा हूँ थोड़ा, मेरे पैर एकदम जम जम गए थे। चाय पी रहा हूँ, ग्लव्स वगैरह उतार रहा है दीपक जी, इन लोग इधर बैठे और वेट कर रहे हैं बाकी लोगों के पहुँचने का। 8 किलोमीटर अब 4 और जाना है, फिर जाके ऐसे सोएंगे, फिर सुबह उठ के जाएंगे मंदिर। अब बस जिग-जैग जिग-जैग जाना है। भीड़ देख रहे हो कितनी भीड़ है, अरे नज़ारा आए हाय, मज़ा आ गया। मैंने अपने दोनों जूतों के अंदर जो पोंचो पहना था मैंने, जो मतलब वो जो रेनकोट था उसका कवर पहन लिया, क्योंकि मेरे सॉक्स गीले, जूता भी गीला है तो पैर में कुछ होना चाहिए इसलिए मैंने पहन लिया। मैं एकदम जेन्युइनली बोल रहा, झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं कि कूल बनने के लिए बोल रहा हूँ। मेरे पैर में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, मैं इतना सबसे आगे आगे चलते चलते भैया, मतलब मेरे से भैया आगे प्लायुष भैया, पर फिर भी जितना मैं चला उसके हिसाब से बिल्कुल पैर में दर्द नहीं हो रहा। क्या पता मेरे को बाद में दर्द हो, पर अब तक बिल्कुल नहीं हो रहा और मैं एकदम ठीक हूँ और मैं अभी फिर चलने के लिए रेडी। कितना चलना है देखो अभी हम लोग को, ये 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 ओ एंड तक जाना है। अभी सोचा था कि ख़त्म होगा लेकिन और उधर तक है और ऊपर। हमें ग्लेशियर दिखा गाइस, देखो पूरा ग्लेशियर है, मैं भी आपको जाके दिखाता हूँ। पूरा ठोस एकदम कड़क आई सब सीमेंट पहुंच गए, पहुंच गए गाइस, पहुंच गए। ये अब जा रहे अंदर और अभी बहुत ठंडा है, पहुंच गए, रखते हैं अब, बाय। The next day हालत खराब, चढ़ाई देखो गाइस, देख सकते हो आप लोग कितनी बर्फ जमी यहाँ पे, इतनी सारी ग्लेशियर की। वहाँ से आया मैं, एक अलग सी ताकत आ गई मंदिर देख के। अब चलो तो वेरिफिकेशन वगैरह और दर्शन के लिए यहाँ से लाइन लगी है पूरी। अब व्यू देखो बस यार, क्या व्यू है, हाय हाय, हाथ पैर सब जम गए मेरे, उंगली जम गई। ठंड से मेरी नाक जम गई, मैं नाक को टच नहीं कर पा रहा हूँ। बस 7:10 बजे से लाइन पे लगा हूँ, 8:40 हो रहे हैं अभी भी लाइन नहीं है, बाकी लोग तो और पीछे हैं मेरे से भी ज़्यादा। तो हमारे दर्शन तो हो गए थे 11 बजे और बाकी लोगों के दर्शन अभी हुए और अभी हो रहे 1:30 यानी 1:30 बज रहे और अभी जाके इन लोगों का दर्शन हुआ है और सब लोग इधर हम लोग बैठे हैं नीचे और यहाँ है मंदिर बाबा केदारनाथ का। और मैं भी इन सबसे मिलाता हूँ, सबको पूछता हूँ कि कैसा लगा सब लोग को यहाँ पे,
मंदिर में आके। तो निखिल भैया कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया। दिपेश भैया मौसी कैसा लग रहा है? पापा बोले मेरे सालों से तमन्ना थी कि केदारनाथ के दर्शन को आज भगवान का से दर्शन।